नमस्कार, एमटीएच टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। नगर निकाय के सहकर्मियों के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एलएस ओझा जी, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं और समाज सेवी हैं और मशहूर चिकित्सक भी हैं। तो आज हम उनसे सीधे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके महापौर पद की तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। ओझा जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने मशहूर चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक के व्यवसाय के साथ साथ आप इतने धार्मिक कैसे बने? नमस्कार मैडम। देखिए, एक चीज बहुत आवश्यक है जी। चिकित्सक होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे ईश्वर में आस्था नहीं है जी। चिकित्सकों का ईश्वर में बहुत आस्था होता है और उसके ईश्वर सभी होते हैं जी। तो सभी धर्मों के प्रति उसका आदर भाव होता है और सभी धर्मों के देवताओं के प्रति उनका नमन होता है और वो केवल प्रयास करते हैं उनके मरीजों को ठीक, तो ईश्वर ही करता है जी। या खुदा ही करता है जी। या अल्लाह मियाँ करते हैं या यीशु मसीह करते हैं। तो हम लोग जो जिस धर्म का होता है उसके धर्म के प्रति सद्भाव रखते हैं और उनके आराध्य के प्रति नमन करते हैं और हम केवल प्रयास करते हैं, आराध्य से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अपना जो भी है आशीर्वाद इस दुखिया को दो और इसको ठीक करो जी। ओझा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि नगर निगम के अभी जो वर्तमान महापौर के साथ साथ अभी अभिलाषा गुप्ता, कृतिका यादव त्रिपाठी जी और राकेश शुक्ला, सुशील सिन्हा जी और कृतिका यादव, इनके नाम सामने आ रहे हैं, तो इन सब में आप अपनी दावेदारी कितनी मजबूत देखते हैं? देखिए, हम लोग भाजपा के सिपाही हैं और ये कार्य भाजपा के है कि वो किसको इसके लिए उपयोग चुनता है। वो जिसको भी उपयोग चुनेगा उसके साथ हम लोग होंगे और पूरे बढ़चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसको जिताएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि क्या बीजेपी जो है ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारेगी? नहीं नहीं, इस बारे में हम नहीं कह सकते। ये तो हमारे पार्टी का क्या इस चुनाव के संबंध में जी। क्या उसका समीकरण है, क्या उसकी सोच है और क्या उचित समझती है, जो वो उचित समझेगी जिसको उतारेगी हम लोग उसके साथ हैं और उसके साथ में समर्पित भाव से लग करके उसको जिताएंगे। डॉक्टर साहब, आप अभी महापौर का चुनाव के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से जुटे हैं और अगर फैसला आ जाता है, अगर आप प्रत्याशी बनते हैं तो आप किस तरह से तैयारियां करेंगे? देखिए मैडम, कि भाजपा एक संगठन है जी। जिसका हर कार्य बड़ा ही संगठित है और हम लोग चुनाव की तैयारी 2 दिन से 4 दिन से नहीं करते हैं जी। हम पूरे समय से हर चीज को एक ढंग बनाते हैं और उस ढंग के तहत हम चुनाव की लंबे समय से बहुत ही कंसोलिडेटेड ढंग से तैयारी करते हैं। ये निकाय चुनाव के लिए भी विगत हम लोग 6-7 महीने से बिल्कुल बूथ स्तर से लेकर के शीर्ष स्तर तक हर स्तर पे हम लोग बहुत मजबूती से, बहुत बारीकी से सबका अध्ययन किए हैं और सब चीज़ों को ऐसा बनाए हैं जो हर परिस्थितियों के हिसाब से हमारे उम्मीदवार को जिताए। तो हमारी तैयारी बिल्कुल पुख्ता है और निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव में जीतने जा रहे हैं सभी जगहों से। डॉक्टर साहब, आपको नगर निकाय चुनाव के जो अभी चल रहे हैं इसमें क्या बदलाव नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि निकाय के चुनाव में 2019 में और अभी में एक आबादी में परिवर्तन हुआ है और उसके फैलाव में शहरों के ज़्यादा फैले हुए हैं वो, तो उसके हिसाब से निकाय चुनाव में भी अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले बार 80 वार्ड थे, अभी 100 वार्ड हो गए हैं। पिछले बार निकाय चुनाव में इलाहाबाद की आबादी 14,03,000 के करीब में थी, अभी इस वक्त में इलाहाबाद की आबादी 15,00,000 करीब 74-75,000 के करीब में है। हाँ, तो ये सब चीज़ें चूँकि बढ़ी है उस हिसाब से सब चीज़ों का परिचिमन में परिवर्तन हुआ है और वार्डों में परिवर्तन हुआ है और मतदान स्थल और बाकी चीज़ों में भी उसी हिसाब से परिवर्तन हुआ है। ओझा जी, नगर निकाय की अगर मैं बात करूं तो अभी वर्तमान में जो महापौर हैं वो भी बीजेपी से हैं, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं? आपको क्या लगता है उन्होंने काम नहीं किया? नहीं नहीं, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से काम किया है और उनके लिए शुभकामना है। देखिए, ऐसा है कि हम
इस बात के लिए नहीं हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि कौन लड़ेगा जी। बीजेपी के सिग्नल पे सिंबल पे जो भी लड़ेगा जी। उसके लिए तैयारी हो रही है और जिसको भी मिलेगा उसके लिए सभी लोग एकजुट होकर के पूरे तन्मयता से उसको जिताएंगे। ओझा जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे साथ साथ जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहते हैं बल्कि कि अगर आप चुनाव ये प्रत्याशी बनते हैं तो आप महापौर के पद के लिए क्या क्या तैयारी करने वाले हैं। नहीं देखिए हम लोगों की तैयारी पहले से ही है और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं अपने लक्ष्य के लिए। अगर हमें टिकट मिलेगा तो हम मुस्तैदी से लड़ेंगे और निश्चय भी जा पाएंगे। ओझा जी डॉक्टर मतलब आप हैं इसके बावजूद भी आप महापौर का पद का तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे में दोनों को कैसे संभालते हैं चिकित्सा के व्यवसाय को भी और इधर आप महापौर पद की तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए एक चिकित्सक होने के नाते जी जो भी मैं अगर आज डॉक्टर ओझा बना हूँ तो वो इलाहाबाद के लोगों के द्वारा बना हूँ। इलाहाबाद शहर के एक उस पूरे शहर की तरफ से मैं बना हूँ तो एक डॉक्टर होने के नाते भी मेरा कुछ यहाँ के लोगों के प्रति और शहर के प्रति उत्तरदायित्व तो है और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम जिन लोगों ने हमें इतना बढ़ाया है या हमें सम्मान दिया है तो उन लोगों के प्रति उनके लिए कुछ हम करें या इलाहाबाद शहर के लिए करें ऐसा मेरी जिम्मेदारी बनती है। और अगर मुझे ये कार्य का मौका मिलता है तो मैं निश्चित तौर पे बहुत ही कर्मठता से लग करके और इलाहाबाद के शहर को और यहाँ के रहने वाले इस नगर निगम के लोगों को हम हर तरह से मदद करेंगे और इसको विकास की गति को बहुत आगे बढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि इलाहाबाद नगर निगम पूरे भारतवर्ष में नंबर वन पे सभी क्षेत्रों में आए जी। ओझा जी आपको क्या लगता है कि बीजेपी का महापौर होने के बावजूद भी इतने दर्जन भर दावेदार खड़े हुए हैं तो आपको क्या लगता है अंत में क्या गुटबाजी भी हो सकती है। नहीं 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 देखिए बीजेपी के लोग जी हमारा बीजेपी संगठन एक संगठन है इसके अंदर कार्य करने वाला हर व्यक्ति एक सिपाही है बस। उसको अगर कोई दायित्व मिलता है तो वो दायित्व का निर्वहन करता है लेकिन बेसिकली वो सिपाही ही है और वो अपने को एक निष्पक्ष रूप से और निर्विकार रूप से अपने को सिपाही के तौर पर रख के बस वो दायित्व का निर्वहन करता है। उसके प्रति उसकी कोई दावेदारी या कोई ऐसी चीज नहीं है। ये तो एक निश्चित काल के लिए हमें कुछ कार्यभार दिया गया है मुझे करना है। ओझा जी आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा ये बीजेपी अपने आप में योगी और मोदी के नाम पर चुनाव जीतेगी या कोई नए मुद्दे लेकर आएगी। देखिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उन्होंने ऐतिहासिक कार्यों को किया है विकास गति को इतना आगे बढ़ाया है कि ये भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में एक मील के पत्थर हुए हैं। तो जो इन्होंने विकास की गति बनाई है जो इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है उन कीर्तिमानों का तो हमारे पर और मतदाताओं पर असर पड़ेगा ही तो उनका प्रभाव तो उनमें पड़ेगा ही और ये पूरी पार्टी एक व्यक्ति विशेष की ना होकर के पूरे संगठन की है। हम जो भी बोलते हैं जो भी करते हैं वो संगठन के बिहाव पे करते हैं और वो सभी चीजें संगठन के लिए होती हैं। तो ओझा जी इसमें कौन से नए मुद्दे थे जो शामिल होंगे इस बार पहले से हटके। देखिए सबसे पहला तो मुद्दा हमेशा से रहा है कि विकास का रहा है और अगर आप नगर निगम के विकास की बात करें तो स्वच्छ जल का मिलना सबको स्वच्छ जल का निस्तारण इसके बाद में जो अस्वच्छ या जो सीवेज है उसका सही ढंग से निस्तारण इसके बाद में जो हमारे अलग अलग जो भवन के हैं या जो सड़कें हैं उन सब का अच्छा होना हमारे अंदर की गलियों का भी ठीक होना बरसात के दिनों में
पानी की रुकावट न होना, जो हमारे सड़कों पे आवारा पशु या वो सब रहते हैं, या जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो समुचित ढंग से चले, और हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम स्मार्ट सिटी के तहत ले करके, एक स्मार्ट सिटी की एक परियोजना नगर निगम के एक निश्चित दायरे में हम लोगों ने लिया है एज ए मॉडल प्रोजेक्ट, और उसके तहत हम लोग उसके तहत बहुत सी चीज़ों को कर रहे हैं, जैसे एक अच्छा आदर्श विद्यालय बनाना और चलाना, कुछ व्यायाम और प्राणायाम से संबंधित बहुत सी जगहों पे उनके इंस्ट्रूमेंट्स लगाना, या जितने हमारे पार्क हैं उनका सुंदरीकरण, या जो सड़कें हैं जो चौराहे हैं उनका सुंदरीकरण, और इसी ढंग से सबसे जो आवश्यक चीज़ें हैं कि पूरा शहर साफ सुथरा हो, पूरा शहर एक टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही सुंदर हो, क्योंकि प्रयाग एक बहुत प्रयागराज जो है सभी तीर्थों का राजा माना गया है, तो लोग जो इस तीर्थ राज में आवे तो उनको ये अनुभूति हो कि ये तीर्थों का राजा ही नहीं है, ये एक बहुत ही सुंदर शहर भी है, चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए, चाहे व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो पढ़ाई की दृष्टि से देखा जाए, पढ़ाई की दृष्टि में तो सदैव से प्रयागराज बहुत आगे रहा है उसमें, और जो अभी थोड़ा सा उसमें थोड़ी बहुत कमियां हुई हैं उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं या लगेंगे कि और आगे से बढ़े। हाँ, वैसे ही स्वास्थ्य के दृष्टि से और ऐसे ही सफाई की दृष्टि से, तो हर दृष्टि से प्रयागराज एक सुंदर शहर हो, लोगों का आकर्षण का केंद्र हो, एक पर्यटन की दृष्टि से सबसे सुंदर हो, और उन सब के ऊपर जो तीर्थों का राजा बोला जाता था, तो यहाँ की जो धार्मिक आस्था और जो आने वाले लोगों के जो आस्था है उन पे एक सही प्रभाव पड़े, एक सही वो यहाँ से संदेश लेके जाएं, ये हमेशा हमारी हमारा प्रयास होगा, और इसमें हम ही नहीं पूरे प्रयागवासी सदैव से समर्पित भाव से लगे रहते हैं। कुंभों में यहाँ के लोग जी खोल करके आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनकी सेवा में, उनकी मदद में, उनकी हर तरह से सुरक्षा में समर्पित रहते हैं, तो वो इलाहाबाद का एक गंगा जमुनी कल्चर है, उसके तहत हर आदमी के मन मन में यहाँ के कणकण में वो चीज़ समायोजित है। ओजे जी, तो क्या आप जब इतनी सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं तो क्या टैक्सेस के लिए भी आपने कोई योजना निकाली है कि जो वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है, इनके बारे में आप कौन सी योजना लेके आ रहे हैं? देखिए, ये हमारा जरूर प्रयास होगा कि इन टैक्सों का जो भी सरकारी दृष्टिकोण या नियम कानून है उसके हिसाब से तो चलना मेरी मजबूरी होगी, लेकिन फिर भी करदाताओं पर कम से कम बोझ पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उनको नगर निगम से लाभ मिले, इसका मैं सदैव प्रयास करूंगा। ओजा जी, देखा जाता है जो नगर निगम के स्कूल होते हैं उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो अपने बच्चों को भेज पाते हैं, तो क्या ऐसी भी कोई योजना आप लेके आएंगे कि सभी लोग अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ने? अवश्य अवश्य, हमने बताया भी ना कि स्मार्ट क्लासेस के तहत हम लोगों ने कुछ स्कूलों को ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है, उनमें हम स्मार्ट क्लासरूम दे रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको सुंदर, स्वच्छ और पढ़ने के लायक, आकर्षक बना रहे हैं जी। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमारे नगर निगम के भी स्कूल जो होंगे वो उतने ही सुंदर पढ़ाई के दृष्टिकोण से, सफाई के दृष्टिकोण से, और बच्चों में हर तरह की जी, वो हर तरह का सर्वांगीण विकास करें, ये हमारा प्रयास होगा। ओझा जी, आप एक कुशल और मशहूर चिकित्सक हैं, तो अगर आप महापौर बनते हैं तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं लेके आएंगे? हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए लोगों को दूर दूर भटकना न पड़े जी, और उनको हर इलाके में एक सुंदर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, इसके लिए मैं स्वयं प्रयास करूंगा, और साथ साथ में सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि उसमें कुछ अगर जैसा भी संभव हो सकेगा वो हम करके स्वास्थ्य को सर्वसुलभ और
सर्वव्यापी बनाने की कोशिश करेंगे। उदय जी, अभी देखा जा रहा है जैसा कि अतीक अहमद जो काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो आप क्या लगता है अगर उसको सजा मिलती है तो क्या नगर निकाय के चुनाव पर भी असर पड़ेगा? भाई देखिए, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो अलग चीज है, वो न्याय के हिसाब से जो भी जैसा होगा वो न्यायोचित होगा। तो क्या इससे क्या जातीय के समीकरण नहीं बिगड़ सकते? नहीं नहीं नहीं, हमारे सभी भाइयों के लिए और सभी लोगों के लिए और पूरे इलाहाबाद के हर व्यक्ति के लिए, वो चाहे जिस समुदाय का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, सबके लिए एक अच्छा मन है, अच्छा सबके लिए विश्वास है। और हम ये प्रयास करेंगे कि सभी लोग अच्छे हों, सभी लोग एक न्यायिक दृष्टि से अच्छे हों और सब में इलाहाबाद की गंगा जमुनी तहजीब व्याप्त करे। यही मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा और हर व्यक्ति विशेष से भी प्रार्थना करूंगा। उदय जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नगर निगम का जो क्षेत्र है अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए जो नगर निकाय का चुनाव है वो कितना कठिन हो गया है? बीजेपी के लिए दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है भाई, क्षेत्र बढ़ा है तो हमारे हर जगह पे हमारे कार्यकर्ता हैं और वो हर जगह समर्पित भाव से लगे हैं। हर जितने भी क्षेत्र बढ़े हैं उन सब जगह पे हमारा पहले से ही संगठन कार्य कर रहा है, तो हमारे लिए तो कोई मुसीबत है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। हर जगह हमारे लोग, हमारे शुभचिंतक और हमारे कार्यकर्ता हर जगह व्याप्त हैं, तो हमारा संगठन हर जगह है जी। ओझा जी, जैसा कि कई सारे टैक्सेस दिए जाते हैं, जनता देती है, जैसे सिविल टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, तो आपको क्या लगता है ये हर साल जो बढ़ते जा रहे हैं ये सही है, उचित है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने अभी पहले भी आपसे तुरंत बताया कि हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि जो भी टैक्सेज हो उनका करदाताओं पर बोझ कम से कम रहे और उसका फायदा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूँ और रहूँगा। आपने जिक्र किया था कि सबको स्वच्छ जल मिले, तो आप क्या कोई योजना लेके आ रहे हैं जिससे सभी को आरओ का पानी मिले? देखिए, ये एक लंबा विषय है जिसके बारे में बहुत सी योजनाएं हैं और बहुत से विकल्प हैं जी। उन पे समय अनुसार और बजट के अनुसार जो भी उचित होगा उन पे कार्य किया जाएगा, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में जो जल है जी। या शुद्ध वायु है, इन दोनों के लिए तो मैं जरूर समर्पित भाव से कार्य करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ और अच्छी वायु और जल लोगों को प्राप्त हो जी। ओझा जी, जैसा कि हम देखते हैं कि रेहड़ी पटरियों पर जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि इन वेंडरों पर भी हमको काम करना चाहिए? नहीं, अवश्य काम करना चाहिए, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, इसमें उनको एक स्थान पिछले बार से भी दिया गया है और उनको और भी सुविधाएं जो संभव हो सकेंगी नियमानुसार वो हम लोग आगे और भी देंगे जी। और अगर आपको प्रयागराज की जनता महापौर बनाती है तो ओझा जी आपकी सबसे पहली प्राथमिकता या सबसे पहला कार्य कौन सा होगा? देखिए, हमारे सभी कार्यों में प्राथमिकता होगी, सबसे जो आवश्यक है जी कि इलाहाबाद का नगर निगम स्वच्छ हो और जितना जो प्रयागराज है उसके प्रति लोगों की अच्छी भावना बने, एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, इन सभी चीज़ों पे हम बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे और हमें उम्मीद है कि अगर हमें मौका मिलेगा इन सब पे एक अच्छा संतुलित और प्रभावी ढंग अख्तियार करके बड़े ही वेग से इलाहाबाद का विकास मैं करने में सक्षम रहूंगा। नगर निगम क्षेत्र में जैसा कि ओझा जी देखा जाता है कि जहाँ पशुओं की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो, जैसे आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा दिखते हैं और काफ़ी सारे गाय भैंस ऐसे घूमते, तो उनके लिए क्या आप कोई योजना लेके आ रहे हैं? नहीं, आवारा कुत्तों के लिए एक निश्चित योजना है और उनको प्रभावी ढंग से उस पर कार्य किया जाएगा जी। तो उनका वो आवारा कुत्ते आपको सड़कों में नहीं दिखेंगे। और जो पशुओं की बात है तो पशुओं के लिए भी हमें जो लोग पशुपालन कर रहे हैं वो भी बहुत ही समाज के एक प्रमुख लोग हैं और उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी वजह से ही हमको दूध दही घी सब मिल पाता है। तो उनके लिए हम
एक बहुत ही प्रभावी योजना लाएंगे जिससे उनको तकलीफ भी ना हो और आवारा पशु सड़क पे या गलियों में या वैसे ढंग से उन जगहों पे गंदगी भी ना फैला सके। तो उन सब के लिए एक हम एक बहुत ही विचार विमर्श के साथ में एक प्रभावी योजना हम लाएंगे। उदय जी, हाल ही में हमारे सूत्रों के जरिए पता चला है कि सपा से मनोज पांडे जी को टिकट मिल चुका है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी चुनौती है और दोनों ब्राह्मणों में से किसको सीट मिलेगी? देखिए, हर पार्टी से जो भी व्यक्ति आता है जी, वो मेरे लिए श्रद्धेय है और मैं हर कार्यों के चुनौती को स्वीकार करता हूँ। ये जरूर है कि हमारा लक्ष्य विजय है जी। चाहे किसी पार्टी से कोई भी व्यक्ति आवे, सबके प्रति मेरे मन में अच्छी भावना है। मैं एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ और विजय मैं होऊंगा, इस बात का मुझे विश्वास है जी। चाहे जिस पार्टी से जो भी आवे, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं एकदम मन में जीत के लिए पूरा हाँ मैं आश्वस्त हूँ कि विजय होगी, हमारी नहीं हमारे पार्टी की होगी जी। क्योंकि अभी कैंडिडेट निश्चित नहीं है, जो भी कैंडिडेट होगा वो निश्चय ही विजयी होगा। उदय जी, नगर निगम के कार्यों के लिए अभी आउटसोर्सेस से कर्मचारी रखे गए हैं, तो लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि उनको जो वेतन है समय से नहीं मिलती है, तो आप क्या वादा करेंगे कि अगर आप महापौर बनते हैं तो उनको नियमित कार्य देंगे और वेतन भी समय पर मिलेगा? देखिए, ऐसा है, जो नियमित कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, ये सब नियमानुसार रखे जाएंगे जी। लेकिन हर कर्मचारी को, चाहे नियमित हो चाहे वो संविदा पे हो, सबको समय पे वेतन मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि भाई उनको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको समय वेतन तो मिलना ही चाहिए जी। इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा कि समय मिले जी। और रोजगार के लिए क्या आपने कोई योजना बनाई है कि हाल ही में जो युवा लोग हैं उनके लिए आप रोजगार कुछ? अवश्य, नए रोजगार का सृजन तो हमारे पार्टी की प्राथमिकता है जी। और नगर निगम के कार्यों के द्वारा जो भी बहुत सी नई चीजें हम इजाद करेंगे, उसमें ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके जी। उदय जी, तो अभी तक आपने महापौर पद से पहले जनता के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं जिन्हें देखकर जनता को आपको लगता है कि महापौर बनाना चाहिए आपके लिए? देखिए, मैं पिछले 4 दशकों से चिकित्सक हूँ और मैं सदैव उनका सेवा कार्य किया हूँ जी। और मुझे जो भी आप देख रही हैं कि ये रेलवे लाइन के नीचे पहले एक था, फिर बाद में 3-3 छेद हो गए, वो मेरा ही प्रयास रहा है। वैसे ही जो यहाँ पे बालसन में महर्षि भारद्वाज की जो मूर्ति देख रही हैं, वो पिछले बार के कुंभ के चुनाव से पहले मार्गदर्शक मंडप में मैं था, तो माननीय योगी जी ने उसमें प्रश्न किया था कि आप लोग जो है दिव्य और भव्य कुंभ से संबंधित कुछ अगर सुंदर सुझाव हो तो दीजिए। तो मैंने उसमें बोला था कि देखिए, प्रयाग के साथ में महर्षि भारद्वाज एक पर्याय के रूप में हमेशा हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इस्तेमाल हुए हैं, और महर्षि भारद्वाज एक बड़े ही ऋषि महर्षि होने के साथ साथ में एक बहुत बड़े एक गुरु थे। उनका उनके शिष्यों का जो समुदाय था बहुत बड़ा था, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और ऐसा बोला जाता है कि पुष्पक विमान जो है उनकी ही वो ईजाद की हुई चीज़ थी, और उससे संबंधित जो महर्षि भारद्वाज से संबंधित, पुष्पक विमान से संबंधित जो वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं वो सब चाइना में कुछ दिनों के लिए चली गई थी, कुछ वर्षों के लिए, और बाद में फिर वो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आई है। अभी शायद इसरो के पास में वो आया हुआ है, और जो उसका सोलर सिस्टम से पुष्पक विमान का जो चलता था मोटर सिस्टम, वो आज के दिन में भी सामायिक है। तो महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा एज ए गुरु, जिसके लिए इलाहाबाद जाना जाता था, एक
शिक्षक के तौर पे भी जाना जाता था, प्लस एक महर्षि के रूप में जो उन्होंने एक जो बहुत बड़ी अपने सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सी चीज़ों की संरचना की और सनातन धर्म के तहत दिया, वो सब चीज़ें आज भी सामायिक हैं। तो ऐसे महर्षि की प्रतिमा तो बहुत ही आवश्यक थी इलाहाबाद ऐसे जगहों में, और हम आभारी हैं माननीय योगी जी के जिन्होंने हमारे इस प्रस्ताव पर तुरंत क्रियान्वयन करके 15-20 दिन के अंदर भी पिछले कुंभ के पहले उन्होंने उस मूर्ति को वहाँ पर लगवाया। तो ये हमारा उनके प्रति और पूरे उनके उस डिसीजन के लिए मन से आभार है जी। ओझा जी, ऐसी और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप महापौर बनने के बाद करने वाले हैं और हम आपसे ना पूछ पाए हूँ, आप जनता को बताना चाहिए? हमारे मन में ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, समय आने दीजिए, वो सब आपके सामने आएगा। और इलाहाबाद को एक बहुत ही सुंदर पर्यटन केंद्र, बहुत ही सुंदर आस्था का केंद्र, और उन सब से ऊपर एक बहुत ही अच्छा व्यावसायिक केंद्र बनाएंगे, ऐसे ही मेरे मन में धारणा है। इनसे संबंधित बहुत सी योजनाएं हैं जो क्रियान्वित होंगी। ओझा जी, एक अंतिम सवाल, आप यहाँ प्रयागराज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? हम प्रयागराज की जनता को एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आप सभी भारतीय हैं, इस बात का गर्व करिए, और उससे भी बड़ी गर्व ये है कि आप एक गंगा जमुनी सभ्यता के नियामक हैं, इस पे गर्व करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक प्रयाग के वासी हैं, इस पे गर्व करिए, यही हम सब के लिए सबसे गौरव की बात है। और प्रयागराज के नाम, प्रयागराज से जुड़ी हर बातों की सुरक्षा, प्रयागराज से जुड़ी हर चीज़, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो धर्म हो, सभी को प्रणाम करने की आवश्यकता है और उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जी। ओझा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देके हमारे टॉक शो में भाग लिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें भी एक अपनी बात बोलने का मौका दिया, हम आपके और आपके चैनल के बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे बीजेपी से महापौर पद संभावित प्रत्याशी LS ओझा जी, जिन्होंने हमें बताया यदि वो महापौर चुने जाते हैं तो वो प्रयागराज को विकसित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर आएंगे, किस तरह से काम करेंगे, और भी कई सारी बातें बताई, जैसे कि वो अपनी किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले समय में भी यहाँ की जनता के लिए और कई सारे अच्छे कार्य करते रहेंगे। ऐसे ही हम कई सारे गणमान्य लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए MTS टॉक शो। धन्यवाद।